आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है। वैसे तो अभी चुनावों की तारीख का ऐलान होना बाकी है, लेकिन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए दिशा निर्देश जारी करके नेताओं को अलर्ट मोड पर जरूर ला दिया है। सोमवार को आयोग ने चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिग को शामिल न करने को लेकर हिदायत दी। चुनाव आयोग ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि आम चुनाव में प्रचार के पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए या पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए, और अगर किसी भी राजनीतिक दल को इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए देखा गया तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग ने अपने दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस में क्या क्या कहा है। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। आयोग का कहना है कि चुनाव संबंधी कार्यों या चुनाव अभियान गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस में किसी भी तरीके से बच्चों को राजनीतिक अभियान में शामिल करने पर प्रतिबंध है, जैसे बच्चों द्वारा कोई कविता पाठ कराना, राजनीति मंच पर उनके द्वारा कोई गीत गाया जाए, बच्चों से नारे लगवाना, राजनीतिक मंच से उनका किसी भी तरह का संबोधन करवाने पर पाबंदी है। इतना ही नहीं, बच्चों के द्वारा बोले गए शब्द या फिर उनके द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी या कैंडिडेट के सिंबल को दिखाना शामिल है। साथ ही ये भी कहा गया है कि चुनावी रैलियों में नारे लगाने, पोस्टर या पर्चे बांटने जैसे कैंपेन से बच्चों को दूर रखा जाए। निर्देशों के मुताबिक चुनाव प्रचार या रैलियों के दौरान राजनीतिक नेताओं और उम्मीदवारों को अपनी गाड़ी में या गोद में बच्चे को रखने या ले जाने की भी अनुमति नहीं है। हालांकि किसी राजनीतिक नेता के आसपास अपने माता पिता या अभिभावक के साथ एक बच्चे की मौजूदगी को चुनाव प्रचार गतिविधि में शामिल नहीं माना गया है और न ही इसे गाइडलाइन का उल्लंघन माना जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों से लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में उनसे सक्रिय भागीदार बनने का आग्रह किया है। आयोग ने आगे कहा है कि अगर कोई भी दल अपने चुनाव प्रचार में बच्चों को शामिल करते हुए पाया गया तो बाल श्रम से संबंधित सभी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी को कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग ने बच्चों से प्रचार कराने पर पकड़े जाने पर कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बाल श्रम निषेध और विनियम द्वारा संशोधित बाल श्रम निदेश और विनियम अधिनियम 1986 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। आयोग ने अपनी गाइडलाइन में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि संशोधित अधिनियम 2016 का सभी राजनीतिक दलों को बच्चों को चुनाव प्रचार में शामिल न करना सुनिश्चित करें और दल अपने उम्मीदवारों को इसकी अनुमति न दें। यह खबर लिखी है मेरे साथी नवीन कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।